सो आज हम उत्तरायण टाउनशिप के बारे में डिस्कस करेंगे। उत्तरायण टाउनशिप में क्या डेवलपमेंट हो रहा है, उसके आसपास के एरिया में कितना डेवलपमेंट होगा, इन फ्यूचर वहाँ में क्या आने वाला है, इसके बारे में हम विस्तार में डिस्कस करेंगे। मैं और मेरा सेल्सियस टीम मेंबर है एक मेरे साथ, वो दोनों मिल के हम इस बारे में आज विस्तार में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। टाउनशिप के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, उत्तरायण टाउनशिप और इसके आसपास के एरिया में क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रहा है, तो वो हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो उत्तरायण टाउनशिप जो कि है, ये 700 एकड़ में इसका डेवलपमेंट का प्लान, 700 एकड़ में ये डेवलपमेंट हो रहा है। 700 एकड़ में 400 एकर्स अंबुजा ग्रुप ने डेवलप किया है, जो कि पहले ही कर चुके हैं। तो और बाकी इसका आसपास का एरिया भी डेवलप हो रहा है। तो उत्तरायण टाउनशिप के एकदम फ्रंट में बहुत सारा एरिया है, उसमें अभी बहुत सारा हाई राइजेस आ रहा है। उत्तरायण टाउनशिप के सामने भी 70 एकर्स एरिया था, उसमें भी धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो रहा है। तो उत्तरायण टाउनशिप मतलब क्या है ना, बहुत ही प्लान्ड एक जगह है, मतलब ईस्टर्न इंडिया का आप सबसे बोल सकते हैं, सबसे वन ऑफ द बेस्ट टाउनशिप में से एक है। मतलब इसमें आपको प्रीमियम सब आपको घर मिल जाएगा, अभी हाई राइजेस भी बहुत सारे आ गए हैं, इसके अंदर आपको स्कूल मिल जाएगा, आपको इधर डेडिकेटेड कॉलेज मिल जाएगा, हॉस्पिटल मिल जाएगा, सामने मॉल मिल जाएगा। अभी उत्तरायण टाउनशिप के एकदम सामने सिटी सेंटर के एकदम बगल में एक और बड़ा सा मॉल का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जिसका स्टार्ट हो चुका है। 5.5 एकर्स में उस मॉल का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया है, तो उसका भी हम लोग कंस्ट्रक्शन का अपडेट दे देंगे कुछ दिन में। तो उसके बाद जो उत्तरायण टाउनशिप के ऑपोजिट में है, ऑपोजिट का एरिया भी वो भी उत्तरायण का ही था, तो उस एरिया में अभी स्काईडल का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो स्काईडल का भी हम लोग आप देख सकते हैं जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है ना, अभी तेज़ी से इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो स्काईडल के एकदम बगल में एक और कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ब्यूमॉन्ट का बड़ा सा कंस्ट्रक्शन चल रहा है। उसका अभी सोचिए 6 टावर आ रहा है, अंडर में आपको गोल्फ कोर्स सब कुछ मिल जाएगा। अभी ब्यूमॉन्ट का हाइट होगा 28 फ्लोर जैसा होगा, 6 टावर है, सामने ये लोग का एक मॉल भी आएगा, एक 5-स्टार होटल भी आएगा। तो और भी उत्तरायण के एक सामने का एरिया है, जहाँ पे अभी टी गार्डन दिख रहा है आपको, वहाँ भी बड़ा सा एक टावर आने का प्लान है। वहाँ पे प्रपोज्ड है 36 फ्लोर्स का टावर आने का प्लान है, तो वो भी जब आएगा हम लोग तब उसका भी अपडेट दे देंगे। तो आप मतलब समझ ही रहे, मतलब उत्तरायण टाउनशिप के आसपास का एरिया में बहुत बड़ा लेवल में डेवलपमेंट हो रहा है। यहाँ पे प्राइस राइज भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो उत्तरायण टाउनशिप का ये जो आसपास का एरिया में फ्यूचर में मतलब बहुत ही एक हाई लेवल का रेजिडेंशियल एरिया डेवलप हो जाएगा, मतलब बहुत ही प्रीमियम आप बोल सकते हैं, ईस्टर्न इंडिया का सबसे वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम लोकेशन उत्तरायण ये डेवलप हो रहा है धीरे धीरे। उत्तरायण के सामने एक 15 एकड़ का लैंड है जो गवर्नमेंट का डेडिकेटेड लैंड है, लेवल में ऑफिस और आईटी पार्क आने वाला है। उत्तरायण के पास में एक और एक एक्सटेंडेड टाउनशिप है, जिसमें आपको स्कूल कॉलेज वगैरह वगैरह बहुत सारा चीज मिल जाएगा। स्कूल के अंदर आता है टेक्नो वर्ल्ड स्कूल और एक सौरभ गांगुली का अंडर कंस्ट्रक्शन स्कूल है जो बनने वाला है। जब ये बन जाएगा तब सेल्सियस के थ्रू आपको ये अपडेट मिल जाएगा। उत्तरायण के अंदर एक स्कूल है जो कि बिरला दिव्या ज्योति जो एक बड़ा स्कूल है, वो उत्तरायण ऐसा एक प्लॉट बन रहा है जो एक सेल्फ सफिशिएंट सिटी हो रहा है, जिसके आने से सिलीगुड़ी में डेवलप बहुत ही बढ़ जाएगा। और ऐसा माने ऐसा जैसा उत्तरायण जैसा बहुत सारा टाउनशिप अभी बनने वाला है सिलीगुड़ी में इन फ्यूचर। सेल्सियस के थ्रू आपको ये सारा अपडेट प्रोवाइड हो जाएगा। जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके देन एग्जिट कर लेना। इस वीडियो के दौरान आपको इन्फॉर्मेशन जरूर मिला होगा। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए सब्सक्राइब करके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।